जैसे सोनाली कार न्यू होलैंड आप चला रहे हो, वो 55 है, दूसरा दोनों ही मेरे ख्याल से 55 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं। जी जी, दोनों में मैं आपसे अंतर जानने की कोशिश करूँ, ईमानदारी वाला अंतर कितना आता है दोनों में, काम में और डीजल में कितना अंतर है? देखो जी, बात तो ये है, देखो बाकी अगर मैं ताकत की बात करूँ, ताकत वाइज बात करूँ, तो ताकत दोनों में लगभग कितना अंतर लगा आपको, कौन सा ज्यादा लगा देता है? तो एक चीज और बताओ, देसी भाषा में जैसे किसान भाई कहते हैं, मजा कौन से पाता है चलाने में? मजा तो हो जाएगा। एक कंफ्यूजन ये भी है, बहुत से किसान कहते हैं जी कि भाई जो ये डीजल ट्रैक्टर जो है इतना लेता है मेरा, 1 लीटर लेता है मेरा, 5 लीटर लेता है, ये सब गलत है। कोई ट्रैक्टर भी हो, चाहे हॉलैंड से, चाहे सोनाली का, चाहे स्वराज से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंडीशन देखने के बाद जो लग रही है इसकी कंडीशन, उसका राज यही है। क्योंकि किसान भाई भी कंफ्यूज हो रहे होंगे देख के कि 11 मॉडल और ये कंडीशन है ना, तो उसका कारण यही है। और आज की डेट में सोचने वाले किसान है ना, वो सोचते नहीं है। बाकी एक चीज और मेरे किसान भाइयों को बता दो, आज के टाइम में अगर कोई मेरा किसान भाई नया काम स्टार्ट करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, एक तरीके से मैं ये कह लूँ कि रीपर का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या राय दोगे उसे, किस ट्रैक्टर से शुरुआत करे? ट्रैक्टर नया लेना उसके लिए ज्यादा बेस्ट है या सेकंड हैंड ट्रैक्टर से काम चल सकता है, क्या राय दोगे? देखो जैसा कि उन पर ट्रैक्टर, अच्छा आप एक चीज और बता दो, दोनों ट्रैक्टरों से संतुष्टि कितने परसेंट है, 10 में से दोनों को कितने कितने नंबर दोगे? देखो नमस्कार भाइयों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जो ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ ना, आप पहले तो जज करो, न्यू होलैंड का 3630 है, आप जज करो कि कौन सा मॉडल ट्रैक्टर होगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है, ठीक है? ये रीपर पे चल रहा है, और रीपर जो है ना भाई, वो सोनालिका का रीपर है, ये देखो। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा झूम करके दिखाता हूँ, यो कंडीशन देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011 मॉडल ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर है 3630 टर्बो सुपर, ठीक है, रोटरी पंप के साथ में टर्बो चार्ज इंजन है इसके अंदर लगा हुआ, 2931 CC का, और ये रीपर पे आप देख लो चल रहा है। यो देख रेख की बात ना ऐसी होती है, देखो मेंटेनेंस की बात ऐसी होती है कि ट्रैक्टर का ना देखो अंदाजा नहीं लग पा रहा कि वाकई में क्या 2011 मॉडल ट्रैक्टर है, कंडीशन इतनी साफ है ट्रैक्टर की। बाकी आप लोगों को वीडियो में भी पता चल रहा होगा देख करके इसको। और भाइयों किसान भाई के साथ भी ना आपका पूरा परिचय कराऊंगा, किसान भाई से जान लूंगा कि ट्रैक्टर ये कब खरीदा, किस कीमत के अंदर खरीदा, डीजल खपत कैसी है और ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कैसा है, ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे किसान भाई से एज इट इज़, जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं काम आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ इसका, किस तरीके का कैसा है वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये देख, मैं आपको थोड़ा सा ना झूम करके ट्रैक्टर का मॉडल भी एक बार दिखा देता हूँ। बिल्कुल कमाल चल रहा है भाइयों, बिल्कुल कमाल चल रहा है। और रीपर के बारे में भी ना किसान भाई से ही जानेंगे कि कितने फिट का रीपर है और कब से चला रहे हैं, क्या कुछ लगा, कैसा अनुभव ट्रैक्टर के साथ रहा, सारा कुछ किसान भाई से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय अपना मेरे किसान भाइयों को करा दो। नाम तो सत्येंद्र चौधरी है जी, गाँव छायसा है, गौतम बुद्ध नगर में गाँव लगता है जी, ग्रेटर नोएडा में, अपना स्टेट यूपी। हाँ स्टेट यूपी। भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे 3630 न्यू होलैंड का आप चला रहे हो, खरीदते हुए समय कितना हो चुका? ये हमने 11 मॉडल लिया था, 2011 मॉडल। 11 मॉडल ये सेकंड हैंड लिया था आपने? नहीं, नया ही लिया था, नया निकाला था। तो जैसे 11 से आप लगभग अब 23 चल रही है ना, तो लगभग 12-13 साल मेरे ख्याल से मोटा माटी हो गए होंगे।
अब तक ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस में क्या कुछ आया सिवाय सर्विस और बैटरी के? इसमें हमने आज तक एक बोल्ट भी नहीं डलवाया। अच्छा, इस ट्रैक्टर के अंदर कोई मेंटेनेंस? कोई लो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस। अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं चलने की, तो लगभग कितने घंटे आपने चला दिया होगा ये? समथिंग 5000 के प्लस कर रहा है, 5000 घंटे प्लस कर रहा है। 5000 घंटे प्लस चल रहा होगा। फिलहाल जैसे रीपर के ऊपर चल रहा है, तो क्या रीपर के ऊपर ही चलता है या इसके अलावा भी कृषि यंत्रों पे चला के देखा है? सारे इम्प्लीमेंट में चला रखा है हमने, जैसे कि रीपर है जी, हैरो है, गन्ने के ट्रॉली है, रोटावेटर है, रोटावेटर है, 8 फुट का रोटावेटर है, इस पे सभी, मतलब सभी में चला रखा है, सभी में चलता है। डीजल खपत मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, जैसे रीपर के ऊपर फिलहाल चल रहा है, पहले तो ये बता दो कि रीपर की चौड़ाई कितनी है ना, और फिर आप ये बता दो कि इसके ऊपर डीजल खपत कैसी करता है घंटे के अंदर? एक घंटे में ये भरता है, 40 मिनट में ट्रॉली भरता है, तो हमने लमसम लगाया है तो 5-5.5 लीटर एक ट्रॉली पर ले रहा है, तो उसी हिसाब से ये 6.5 के समथिंग घंटे का ले रहा है। मतलब 40 मिनट में एक ट्रॉली भर देता है 40 मिनट और लगभग 5-6 लीटर खाता है। क्या नहीं, मतलब हमारी ट्रॉली भी बड़ी है, ट्रॉली भी आपकी बड़ी है, मैं देख रहा था। काफी बड़ी ट्रॉली है हमारी, जो छोटी ट्रॉली है उसे भर देगा 30 मिनट में, उसे आधे घंटे में, मतलब भर देगा आधे घंटे में भर के हाथ में। अपने रीपर की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो कितना चौड़ा है रीपर? ये है 8 फुट का है। 8 फुट का रीपर है। जैसे सोनालिका का आपने रीपर लिया, तो इसे लगभग कितना टाइम हो गया खरीदे हुए? सोनालिका के रीपर का दूसरा सीजन है इसका। अच्छा, दूसरा सीजन है, मोटा माटी मैं ये कह लूँ कि दूसरा साल है। हाँ, तो जैसे आप सोनालिका का फिलहाल चला रहे हो, इसके पहले भी कोई रीपर चलाया था? हाँ, 10 मेज का था। अच्छा, पहले 10 मेज का चला रहे थे, फिर सोनालिका की तरफ क्यों जाना पड़ा? देखो जी, 10 मेज का फिलहाल अभी भी है, वो दूसरे ट्रैक्टर पर चल रहा है जी, और ये जो सोनालिका का इस पर चला दिया। अच्छा, सोनालिका का इस पर चला दिया, तो ये सोनालिका का जैसे आपने खरीदा है, अब सोनालिका कहीं पर देखा था चलता हुआ या कैसे, इसका विचार कैसे बनाया? पास ही में एजेंसी, हम सोचते थे कि पंजाब क्यों जाएं या फिर बाहर क्यों जाएं, बाहर से जाके मंगाएंगे हम, कहीं जाएंगे जैसे कि किसी डीलर से बात करेंगे, फिर पास ही में दादरी पड़ती है हमारी, तो इसी में से हमने ले लिया वहाँ से। अच्छा, मतलब एक तरीके से आपने वो चीज़ देखी, सर्विसिंग वाला देखा और अपने नज़दीक से ही खरीद लिया। बाकी रीपर से संतुष्टि कितनी मिल रही है? रीपर से भी संतुष्टि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ से हमने रीपर लिया है जी, वो सेठ जी हैं बालाजी मोटर्स हैं जी, उससे लिया था हमने, उससे इतने संतुष्ट हैं, हम अभी फ़ोन करें कि हमारे इस चीज़ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो तुरंत ही तैयार रहते हैं, खेत में आने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब जो सर्विसिंग है वो बहुत अच्छी है? बहुत ही अच्छी है जी जी, इसी वजह से आपका इसकी तरफ जाने का विचार बना। बाकी इसके अलावा क्या कोई और ट्रैक्टर भी है अपने पास फिलहाल में? हाँ, सोनालिका 55 और है, वो भी रीपर में चल रहा है। अच्छा, सोनालिका 55 है। तो जैसे सोनालिका और न्यूलैंड आप चला रहे हो, वो 55 है दूसरा, दोनों ही मेरे ख्याल से 55 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर हैं जी जी। दोनों में मैं आपसे अंतर जानने की कोशिश करूँ, ईमानदारी वाला अंतर कितना आता है दोनों में, काम में और डीजल में कितना अंतर है? देखो जी, बात तो ये है, देखो सोनालिका अपनी जगह है जी, हॉलैंड देखो अपनी जगह, अपनी जगह है बिल्कुल। देखो, कंपेयर दोनों में किसी हद तक नहीं हो सकते, जो काम ये कर सकता है वो काम वो नहीं कर सकता है, और जो वो कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा विस्तार से बता दो। ऐसा है कि जैसे कि अब हम रीपर पे चला रहे हैं इसको जी, और समथिंग ये 10 बजे बंद हो जाता है तो वो 11 बजे तक खींचते रहता है जी, बस यही इनमें सिचुएशन होती है, किसी चीज़ पर ट्रॉली पे ये कामयाब ज़्यादा होगा तो वो कम होएगा, अगर जुताई में किसी चीज़ पर कम होगा तो वो किसी चीज़ पर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा, इतनी ही नो डिपेंड्स है और किस चीज़ पर। माने मैं ये कह लूँ कि जैसा यंत्र जैसे हम चलाते हैं, तो किसी किसी यंत्र पे वो इसको पिछाड़ देता है और किसी किसी यंत्र पे ये उसको पिछाड़ देता है। बाकी अगर मैं ताकत की बात करूँ, ताकत वाइज बात करूँ, तो ताकत दोनों में लगभग कितना अंतर लगा आपको, कौन सा ज्यादा लगा देता है? ताकत में तो देखो यही ज्यादा लगाता है, देखो ये ज्यादा लगाता है, ऑब्वियसली बात है, टर्बो है इसमें, रोटर पंप है जी, और टेक्निक के मामले में ये ट्रैक्टर हमेशा आगे रहा है, उससे कई गुना इसमें फ्यूचर भी ज्यादा है, एडवांस है, एडवांस चीज है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और बताओ, देसी भाषा में जैसे किसान भाई कहते हैं, मजा कौन से पाता है चलाने में? मजा तो जी इसी पाता जी, बैठ जाओ बस, पीछे मत देखो जी, चलता रहता है, चलता रहता है, 8 फुट का रोटर घेर दो पीछे जी, यूं नहीं कहेगा कि हाँ भाई लिफ्ट ठानी है ना ठानी है, कुछ चलना 8 फीट पे बेहतरीन चलता है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा, 8 फीट पे जैसे आप चला रहे हो, तो उस पर लगभग आपने कुछ अनुमान लिया हो कितने लीटर डीजल खा लेता होगा घंटे में उस पर? जैसे कि देखो, भाड़े का काम करते हैं कोई जो इंसान, तो उस पर तो देखो ऑब्वियसली बात है, हर कोई आदमी चाहता है कि मुझे 10 रुपये बचे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस इंसान को 10 रुपये नहीं बचेंगे तो वो काम क्यों करेगा? क्यों करेगा, बिल्कुल। और जब
इस पे भाड़े का काम नहीं करोगे तो पूरा 1.5 लीटर लेता है, दोनों लीवर नीचे गिर देता है, डेढ़ कर देता है दोनों। 1.5 लीटर मतलब बीघे में लेता है? हाँ, 1.5 लीटर लेता है। बीघा कितने बीसे का है? 7 बीसे का है। 7 बीसे का, 1.5 से प्लस नहीं जाता फिर जी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे किसान भाई जो है एमपी साइड से हैं, तो उनके वहाँ 1 एकड़ में ही 2 बीघे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार इतना कम डीजल अगर खा ले ट्रैक्टर तो हम आज ही ले लेंगे, तो ये कन्फ्यूजन भी उनका थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एक कन्फ्यूजन ये भी है, बहुत से किसान कहते हैं जी कि जो ये डीजल ट्रैक्टर जो है इतना लेता है मेरा, 1 लीटर लेता है मेरा, 1.5 लीटर लेता है, ये सब गलत है। कोई ट्रैक्टर भी हो चाहे हॉलैंड से चाहे सोनालिका से स्वराज से, जी 1.25 लीटर से 1.5 लीटर 1.75 लीटर तक ऊपर पे ट्रैक्टर हर कोई ले जाता है तेल, जैसे उससे काम करोगे जी। तेल के लिए मामले में जो जैसा काम करोगे ऐसे तेल खाएगा। देखो मैं मत करो काम मत, ना खाएगा ही नहीं बिल्कुल। अब उससे अच्छा क्या है, उससे काम करोगे तो तेल खाएगा, तेलमन वाली बात है, खाओगे तो सही जोर लगाएगा, जोर करोगे नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं हम कि जैसा ड्राइवर जैसा उसको चला रहा है या जैसा उससे काम लिया जा रहा है उस हिसाब से ट्रैक्टर डीजल खाता है। जैसे कि भैया है अभी हमारे ड्राइवर है तो हमारा भैया ही ड्राइवर नहीं है जी, अब ये सुबह से यही चला रहा है, अभी 6 ट्रॉली भर रहा है, सुबह 8 बजे आके जी लग गया था ये जी, 8-9 पे लग गया था ये, 6 ट्रॉली है जी, और शाम तक ये ऐसे 4 बजे 10 ट्रॉली भर देगा जी, 10 हमारी शाम तक बनो या 12, हम 10-12 से प्लस चलाते नहीं है ना, हम काम की जाते इच्छुक, बस ये एक है अपना चीज है तो चलनी चाहिए। हाँ बस अपना ये है कि ये भी एक इसमें भी किसान के प्राण होते हैं बिल्कुल, प्राण होने के बाद ये हमारे लिए कुछ कर रहा था, हमें भी इसके लिए सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कि मशीन गिरे से जोते रहो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसकी भी सेफ्टी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंडीशन देखने के बाद जो लग रही है इसकी कंडीशन उसका राज यही है क्योंकि किसान भाई भी कंफ्यूज हो रहे होंगे देख के कि 11 मॉडल और ये कंडीशन है ना, तो उसका कारण यही है कि देख रेख है। आज तक भी अगर चारों टायर सारे कंपनी के साथ थे जी, कुछ हमने बस सिर्फ बैटरी और इसके सेल्फ हेल्प में लग जाते हैं, इसमें वैसे सर्विसिंग बस यही है इसके साथ में, आज तक हम बाकी इंजन में चाबी नहीं लगी ना, इंजन में ना पंप में ना इसके पिछले हिस्से में ना ब्रेक में ना गियर बॉक्स में किसी में भी आज तक कोई चाबी नहीं लगी। अच्छा मेरे किसान भाई एक चीज और कहते हैं न्यू होलैंड को लेकर कि इसके पिछले हिस्से से बड़ी आवाज आती है, बड़ा परेशान हो जाते हैं हम, तो वो बात क्या एक्चुअल में सही है? हार्ड रिडक्शन है ये, देखो हार्ड रिडक्शन, जो हार्ड रिडक्शन की कोई सा भी ट्रैक्टर होगा, एक पलमान आया था वो हार्ड रिडक्शन ट्रैक्टर आया था जी, उसमें भी हूं की आवाज आती थी, घुमेर बनती थी उसमें जी। अब जैसा कि हमारा चल रहा है जी, अब हमारे में बहुत कम है जी, अब इसे 2000 RPM से प्लस चला लोगे तो इसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी जी, ऐसे 2000 RPM से कम चलाओगे तो इसमें ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और जो इसमें हार्ड रिडक्शन वाले हमेशा ट्रैक्टर कोई भी हो वो इसमें आवाज करेंगे ही करता ही इसका करता जो जो माने जो आवाज होती है वो उसके रिडक्शन की आवाज, रिडक्शन की आवाज आती है बस जी जी, उसमें घुमेर बन जाती है रिडक्शन में, इस वजह से आवाज करता है, और इस आवाज से तो देखो कोई फायदा भी नहीं है तो ये नुकसान भी नहीं कर रहा वो बिल्कुल। और आज की डेट में सोचने वाले किसान है ना वो सोचते नहीं है, वैसे तो मानने में तो यही है कि हार्ड रिडक्शन वाला ही ट्रैक्टर लेना चाहिए, ज्यादा ताकत लगाता है, ताकत भी ज्यादा लगाता है और उसकी अच्छी चलने की भी रखता है ट्रैक्टर। अच्छा जैसा आपने ये 2011 में खरीदा था, कुछ कीमत का अंदाजा भी मेरे किसान भाइयों को करा दो, उस समय लगभग कितने का पड़ गया था? ये पड़ा था हमको 7,30,000 रुपये, 7,30 का आपने उस समय खरीदा था जी। बाकी अभी तक कोई मेंटेनेंस वाली दिक्कत ट्रैक्टर के अंदर नहीं आई अभी तक तो? संतुष्टि कितनी है ट्रैक्टर से? संतुष्टि तो जी पूरे खुश है, दिल से खुश है फुल संतुष्टि है, राजा बाबू है अपना बाबू तो बाबू है बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काम भी दिल ठोक के और मेंटेनेंस भी दिल ठोक के, जब भी सर्विसिंग पे जाता है हम ये नहीं पूछते क्या होना जी, कह देते हैं जोन सा इसमें बेस्ट चीज डलती हो वो डाल दो, पहले से ही हम अब हॉलैंड है अब सोनालिका है जी, सोनालिका के पास जाएंगे जी, तो उससे कह देते हम देख लेते हैं नेट पे कि इसमें कौन से नंबर का ऑयल आता है जी, अब हम उसी नंबर के ऑयल को डलवाते हैं, बहुत से ऐसा होता है कि हॉलैंड में 68 नंबर ऑयल आता है इसमें जी, उसमें भी आता है, तो इनके ऑयल के ऊपर भी फर्क होता है, एजेंसी वाले जो इंजीनियर होते हैं जी, हर ट्रैक्टर का ऑयल जो है नंबर वाइज नंबर से गिरता है, और हम जो चले जाते हैं जैसे कि बाहर किसी एजेंसी पर ना जाके कहीं और सर्विस करा लेते हैं जी, तो वो क्या कहते हैं इसकी वॉल्वो की ले लो,
सर्वो लंच के ले लो, कोई सी भी ले लो। देखो अपनी जगह, मैं ये कहता हूँ कि अपनी जगह वो मोबाइल भी बेस्ट है, लेकिन जो कंपनी रिकमेंड कर रही है, जो प्रोडक्ट के लिए बना रही है, वो ज्यादा बढ़िया। नहीं नहीं, देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखो वॉल्वो का है, सर्वो लंच का बेकार है, उसका मतलब ये है कि उसमें भी नंबर आते हैं, नंबर आते हैं बिल्कुल, उनको नेट पर देखने के बाद उन नंबर से ही उसमें मोबिलाल की सर्विस करनी चाहिए, डालना चाहिए। अब हम कह देते हैं, अब किसी में 54 नंबर डाल दिया, चलता हो उसमें 68 नंबर जी, तो बताओ ट्रैक्टर कैसे करेगा उसको? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा, ताकत कम लगाएगा। तो उसे तो यही देगा जिससे उसे नंबर की जरूरत है, बस उसी से चलेगा वो, यानी तो उससे अगर चलेगा नहीं। बाकी एक चीज़ और मेरे किसान भाइयों को बता दो, आज के टाइम में अगर कोई मेरा किसान भाई नया काम स्टार्ट करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, एक तरीके से मैं ये कह लूँ कि रीपर का काम स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या राय दोगे उसे, किस ट्रैक्टर से शुरुआत करे? ट्रैक्टर नया लेना उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है या सेकंड हैंड ट्रैक्टर से काम चल सकता है, क्या राय दोगे? देखो जैसा कि उन पर ट्रैक्टर है जी सेकंड हैंड भी, तो कोई बात नहीं है, ट्रैक्टर की देख रेख अच्छी है और उनका ट्रैक्टर ये लगता है कि हमारा ट्रैक्टर चला लेगा जी, तो इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, आप पुराने से भी काम कर सकते हैं स्टार्ट। उसके बाद ये एक सीजन पीटने के बाद देखते हो कि तुम्हें नहीं, हमारा पुराना ट्रैक्टर कामयाब नहीं हो रहा जी। अब जैसा कि हम पे प्रेशर स्टीयरिंग नहीं है, सादा स्टीयरिंग है जी। अब हम बोले कि हमें प्रेशर स्टीयरिंग चाहिए, बिल्कुल हम तो प्रेशर स्टीयरिंग चलाएंगे, बिल्कुल तो हम नया लेंगे, क्यों हम 9 लाख रुपए खर्च करें? आज ये 39 का आ रहा है, बिल्कुल अब जब लिया था हमने 37 का, 37 का 2 लाख का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें खर्च करने क्या जाता है, प्रेशर स्टीयरिंग की तो कमी है, बाकी सब चीज चल ही रहा है। माने मैं ये कह सकता हूँ कि ज्यादा पैसे ना डालने की ना डाले किसान, अगर उसके पास में है 50-55 HP का ट्रैक्टर तो उससे काम कर सकता है, वो स्टार्ट कर सकता है। आप ऑब्वियसली बात है, देखो 9 लाख का ट्रैक्टर लेगा, 2.5 लाख की ट्रॉलियां हो गई, बिल्कुल, और प्लस फिर उसके जो है 3 से प्लस ही है, 3 का तो है ही, बिल्कुल, तो 15-16 लाख रुपए लगाने से तो अच्छा है, पुराना ही ट्रैक्टर हो उसके पास तो ठीक है, नया है तो नया ले लो, बिल्कुल नए में भी टेंशन फ्री हो, मतलब जैसा बजट किसान का है उसी हिसाब से ले, ये ना देखे कि यार सामने वाले ने नया लिया तो मुझे भी नया ही लेके आना है, चलना चाहिए अपने हिसाब से, बोल दुनिया बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या भाई ऐसे ले लो, किसी की होड नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो पॉइंट यही है, बिल्कुल बिल्कुल। आज उसके बस उस लड़के ने नया लिया मैं भी लूंगा, देखो ऐसा नहीं है, किसी की होड नहीं करनी चाहिए, प्रभु है आज प्रभु हमें दे रहा है, कल को हमें घेर दे तो कर्जे में डूब जाएं, बिल्कुल उस कर्जे को ब्याज में ही बटाते रहें, तो उससे कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल उससे अच्छा है कि अपना कम खाओ और खुश रहो, बिल्कुल अच्छे से रहो, बिल्कुल समझी बात यही है। अच्छा अब एक चीज़ और बता दो, दोनों ट्रैक्टरों से संतुष्टि कितने परसेंट है, 10 में से दोनों को कितने कितने नंबर दोगे? देखो हॉलैंड तो दीजिए, हॉलैंड को तो मिलेंगे 100 पूरे, 10 में से 10 ही है पूरे, सोनालिका की बात करो 90 मिलेंगे, 10 कहाँ काट लिया आपने, 10 तो देखो सोनालिका की जो है मैंने बताई थी जी, टेक्निक के मामले में जो टेक्निक है सोनालिका में वो कम है जी, हॉलैंड मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो इससे कहीं कम है, कम है इसकी ज्यादा है जी जी, क्योंकि उसमें देखो इसमें अनडिपेंडिंग क्लच है, अब उसमें नहीं है जी, अब हम दबाते एक पेडल है जी, वो दब जाते दोनों, बिल्कुल अब रीपर रुक जाता है, फिर उसे उठाने में स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल अब उठाने में स्टार्टिंग करते हैं तो ट्रैक्टर इतने दबते रहता है, फिर तेल ज्यादा लेता है जी, तो हमेशा ये अनडिपेंडिंग क्लच है उसके अंदर जी, उसमें लो हाई मीडियम है, जितने का वो आया था उसमें लो हाई मीडियम सोनालिका दे ही नहीं रहे अभी तक, बिल्कुल अब आके अब तो आने लगे, अब आने लगे हैं, इसने मुझे ऐसा लगे 2002 में हॉलैंड ने ABC गियरबॉक्स दे दिया था और इंडिपेंडेंट क्लच भी तब से ही आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, अब सब इसकी कॉपी कर रहे हैं, बिल्कुल तो जब किसी इंसान की कॉपी होने लगे तो सोचो ब्रांड नहीं है, ब्रांड तो वही है, ब्रांड वो है जिसने पहले वो एक तरीके से मैं कह दूं कि इजाद कराया जिसने वो तकनीक जी जी जी। अब ये सोनालिका के उसी चीज से, अच्छा सोनालिका अपना कौन सा मॉडल है? ये 21 मॉडल है, वो भी नया ही खरीदा था जी जी जी, 3 सीजन उसके रिपर के हो जाएंगे आपका कंप्लीट, अच्छा 3 सीजन उसके हो जाएंगे, अच्छा जैसे आप न्यू हॉलैंड पहले से चला रहे थे फिर सोनालिका में जाने का विचार कैसे बनाया? ये वही कारण था कि पास में डीलरशिप है और सर्विस अच्छी मिलेगी, पहले थर्ड था सोनालिका, थर्ड था वो अपना, अच्छा सोनालिका भी पहले से ही चला रहे थे देख के फिर ले गया, कोई नहीं। तो भाइयों देखा आप लोगों ने हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, ठीक है, एक ट्रैक्टर ये इनका न्यू हॉलैंड चल रहा है और मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एक ट्रैक्टर उधर चल रहा है सोनालिका का, ठीक है वो चल रहा है इनका सोनालिका DI 55 है वो। तो वीडियो को
यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको सारी कुछ जानकारी मिल गई होगी। ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने देख लिया किस तरीके का कैसा है, रिपर के ऊपर आपके सामने चल रहा है। ट्रैक्टर की कंडीशन भी आप लोग देख लो किस तरीके की कैसी है, कोई हवा वैसी वाली बात नहीं है। और एक और सबसे खास बात जो कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बुराई किसी ट्रैक्टर की नहीं है, किसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो किसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, या जो अनुभव किसान भाई का रहा, मेरा मकसद रहता है उस अनुभव को आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों को दिखाना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि वो किसान भाई भी मेरा डिसीजन ले पाए जो नया रीपर लेने का या नया ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहा है, वो भी एक सही डिसीजन ले पाए। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ और जो किसानों का अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं शूट की जाती भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप लोग मनोरंजन के लिए चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एग्जिट करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मनोरंजन के लिए और बहुत सारे चैनल हैं। हमारा मकसद रहता है आपको जेन्युइन चीज़ दिखाना और आपको नई तकनीक से रूबरू कराना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।